डिप्रेशन का मूड और डिप्रेशन के मूड के साथ साथ आने वाले विचार, उसके हमारा उससे हमारा जीवन कैसा ड्रेन हो जाता है, मतलब एनर्जी कैसी निकल जाती है, ताकत कैसी निकल जाती है, और उससे हमारा जीवन हम कैसा बर्बाद कर डालते हैं या कर देते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को भर्ती करना, उसका उपचार करना और उनको शक्तिशाली रूप से जीवन देने के लिए मौका देना, उसके लिए हम काम करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। आज एक मेरे पास में लड़का आया था, उसका प्रॉब्लम यह है कि बचपन में वो बोलता है कि मेरे बड़े भाई ने, जो मेरे से 7 साल बड़ा है, उसने मुझे डोमिनेट किया। वो अपनी बातें बताता था, अपनी बातें ज़्यादा प्रेशराइज करके मेरे से करवा लेता था। घर में भी उसका ऐसा एक दरारा था कि भाई वो चिल्लाएंगा, चीखेंगा और वो सब अपनी मर्जी से कर लेगा, और उसके वजह से मैं दब गया हूँ, उसके वजह से मैं सप्रेस हो गया हूँ। अभी ये जो मेरे पास में जो लड़का है, उसकी उम्र करीब करीब 32-33 साल की है, काम करता है, वो सरकारी नौकरी है, सरकारी कर्मचारी है, वहाँ वो काम करता है, मगर दिन भर ऐसा उसको लगता है कि नहीं, अपना अपना जीवन ही बर्बाद हो गया, अपन तो कितने छोटे रहे, अपने को तो अपने बड़े भाई ने दबा दिया, अपने को कभी सेल्फ एक्सप्रेस नहीं होने दिया, अभी कभी अपन ने अपना जीवन जिया ही नहीं है, खुशी नहीं है अपने जीवन में। उसको बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छी खासी वाइफ है, अच्छा संसार चल रहा है उसका, पर उसको लगता है कि अपने मजा नहीं है। कितने साल से मैंने पूछा, बोले 10 साल से ऐसा हो रहा है। भाई 10 साल से हो रहा है, तूने कहीं गया नहीं, किसके पास में बोला ही नहीं। नहीं, बोले आपके वीडियो जब देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ इसमें मैं कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे लिए संभव है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि भाई इसके लिए कोई इलाज है, मैं कहाँ काउंसिलिंग कर सकता हूँ, कहीं सेशन कर सकता हूँ, या मैं मेरा इलाज अच्छा कर सकता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था। जब डिटेल में मैं गया तो उसने बताया कि भाई जैसा बचपन में भाई ने बहुत प्रेशराइज़ किया, तो सिर्फ भाई नहीं है, भाई ने सप्रेस किया, सिर्फ भाई नहीं, उसके पिताजी भी वैसे थे, पिताजी भी शराब पीते थे, कभी शराब पी के आना, फिर शोर करना, फिर चीज़ें फेंक फाक करना, घर में कभी पैसे नहीं रहते थे, और फिर बहुत बड़ी दहशत पिताजी की थी घर में, और वो दहशत में उनका देख देख के बड़े भाई ने भी वही सीख लिया, वो भी वैसा करता था। मगर ये जो मेरे पास में जो लड़का आया, वो उसमें दब गया, सप्रेस हो गया। उसको लगा कि अपन बहुत छोटे हैं, अपन तो इनके सामने कुछ नहीं कर सकते, मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये मेरे को ओवरपावर कर रहे हैं, ये बड़ा भाई मेरे को पीटेंगा या पिताजी पीटेंगे, इससे अच्छा अपन ने सप्रेस रहना, या अपन ने शरण जाना, या अपन ने मतलब उनका मान लेना, वही सबसे अच्छा है। और वो दबते गए, पढ़ाई करते गए, कुछ पढ़ाई किया, कुछ स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दिया, और उसमें उसको सरकारी नौकरी लग गई, पोस्ट ऑफिस में वो काम करता है। मगर अब मज़ा नहीं है ज़िंदगी में, बोलता ऐसा लगता है कि नहीं भाई, कुछ तो भी कमी है, अच्छी सारी अच्छी सा मतलब तनख्वाह भी है, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, मगर उसको नर्वसनेस, उदासीनता, और बिना वजह का, कुछ कारण नहीं उसको। और फिर उसके वजह से होता क्या है, उसके वजह से उसको बदन दर्द होगा, सर दर्द होगा, पाचन संस्था में अनाज पचन नहीं होगा, भूख नहीं लगेंगी, भूख लगेंगी तो खाने की इच्छा नहीं रहेंगी, ऑफिस में जाएगा तो बस कैसा तभी काम करेगा, वहाँ भी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेवल कम है, रात को नींद भी ऐसी नींद भी ऐसी साफ नहीं आएंगी, बहुत डीप नींद नहीं आएंगी, और फिर सुबह उठने के बाद में फ्रेश भी नहीं लगेगा। उसको पूछा, हुआ क्या भाई, जो हुआ तो आपने बताया, मगर आप उसकी जवाबदारी लेने को तैयार है क्या? जो उन्होंने किया वो किया, पिताजी ने जो किया वो किया, भाई ने किया वो किया, आप जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। मैंने उसको बोला कि आप जिम्मेवारी लो, जो भी हो गया वो हो गया, अभी हम क्या कर सकते उसके बारे में हम सोचेंगे। बोले ठीक है, आप जो बोल रहे हो, तो मैंने उसको काफ़ी सारी मतलब एक सेशन दिया, मैंने चलो अभी सेशन करते हैं, तो मैंने सेशन करने के लिए उसको टाइम दिया, वक्त दिया। सेशन में उसको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसके मन की बातें कभी किसने सुनी नहीं थी। होता क्या है कि सबको ऐसा लगता है कि मेरा किसने सुनना चाहिए, मेरा एज ए साइकियाट्रिस्ट काम क्या है, सबसे पहला काम है लिसनिंग, सुनना लोगों को, और सुन के जब लोग बोलते रहते और जब उनको लगता है कि कोई अपना सुनने वाला है, कोई समझने वाला है, तो उनका आधा जो भार है दिमाग का वो ऐसे ही हल्का हो जाता है,
वैसे अच्छे हो जाते वो लोग, क्योंकि सुनने वाला कोई मिलता नहीं। आजकल क्या है कि मेरी आवाज़ सुनो, लोग बोलते कि मेरी सुनो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं सुनने के बाद में उसको बोला ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, बोले नहीं अभी तो जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो अतीत में हुआ है, अभी मैं उसको पकड़ के बैठा हूँ। बोले फिर क्या आप छोड़ सकते हो उसको, बोले बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। बोले फिर कब छोड़ेंगे, बोले आज ही छोड़ता हूँ। बोले ये छोड़ दो अभी, ये अपनी जो कहानी बना के रखी है कि मैं छोटा हूँ, उन्होंने मुझे दबा दिया, उन्होंने मेरा काफ़ी बार इंसल्ट कर लिया, अपमान कर लिया है, मैं तो अभी छोटे पोस्ट के हूँ, भले एक सरकारी कर्मचारी हूँ मगर मेरी तनख्वाह तो इतनी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये जो रोना है, ये जो आपने खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में कहानी बना के रखी हुई है, ये छोड़ दो, फिर आप कुछ भी कर सकोगे। क्योंकि आपने अपने आप को मार मार के वो देवी जो रहती है ना, कि वो देवी जो उनके वो देवी का पहराव करते हैं और ख़ुद को चाबुक से मार लेते हैं, ऐसा मारेंगे, इधर से मारेंगे, इधर से मारेंगे, इधर से मारेंगे, उसकी आवाज़ भी सट 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 आती रहती है। मैंने बोला कि आपने वैसा करके रखा है, ख़ुद को मार मार के खुद को छोटा बना लिया। अब ये सब ड्रॉप करो, छोड़ दो ये, और फिर नई ज़िंदगी आज से जीना चालू करो। तो उसको भी काफ़ी सारा खुल गया, बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आज जन्म हुआ है और मेरा आज का जन्मदिन है, मतलब हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छा है, जन्म लगता है आपको तो हैप्पी बर्थडे टू यू, और बोले आज से मैं जीना चालू करूँगा। बहुत ही उसको अच्छा लगा, बोले मैं आपको जरूर विजिट करूँगा। और एक ही सीटिंग में, मतलब एक घंटा उसके साथ में बिताने के बाद में इतना सारा उसका बोझ निकल सकता है, उसको भी विश्वास नहीं आ रहा था। मैं क्लियर था कि इसको यदि वो जो कन्फ्यूजन है दिमाग में, वो जो खुद को कोस रहा है, खुद के दिमाग में विचार जो है उसमें वो अटक गया है, वो यदि उसका निकल जाएगा ना, तो काफ़ी सारा उसको अच्छा लगना चालू हो जाएगा। मैंने उसको कुछ दवाई भी दिया, मैंने देखो आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, मगर थोड़ा मैं एंटी डिप्रेशन दवा भी देता हूँ, वो दवा थोड़ी सी ले लो आप, दवा लेंगे तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा, मूड एलिवेटर्स जो है वो, और फिर हम फ़ोन पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम फ़ोन पर भी काउंसिलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, कोचिंग देते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, और फ़ोन पर हमने एक डेट फिक्स कर लिया, ताकि काफ़ी बड़े दूर से वो आ रहा था मेरे तरफ, मतलब हमारे तरफ आया था वो, तो उसको मैंने फ़ोन से काउंसलिंग की डेट दिया, और आने वाले हर हफ्ते में एक बार मैंने डेट सेट कर दिया उसके साथ में। बोलेंगे अब मैं आपके साथ में बात करूंगा और मैं अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हूं। ऐसा करके उसने विदाई लिया। कहने का मतलब यह है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो, मतलब 15-20% लोग ऐसे हैं कि जो डिप्रेस्ड है, जीवन के जो भी टेंशन है, चिंताएँ हैं, जिनको जो भी प्रॉब्लम जीवन में है, उसकी वजह तो है ही, मगर बचपन में ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका वो दिमाग में ऐसी एक चोट बना के ले लेते हैं, ऐसी चोट पहुंच जाती है उनको, और जिसके वजह से वो अपने बारे में कुछ कहानियां बना लेते हैं, मुझे ये संभव नहीं है, मुझे वो संभव नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं मुझे अक्ल नहीं है, मैं छोटा हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे से ये होगा नहीं, मैं तो दुखी आत्मा हूँ, मेरा नसीब ही खराब है, मतलब ऐसा करेंगे और अपना जीवन बिताते जाएंगे। ये सब जब हम साइकोथेरेपी करते हैं, हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, फ़ोन के ऊपर हम काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें आप मतलब लोग आते रहते हैं, अपने जीवन की दुबरी दास्ताएँ बताते हैं और फिर उसमें हल्के हो जाते हैं। आप भी कभी मतलब ऐसा लगता है तो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, और आपके जीवन में एक पावरफुल जीवन आप जी सकते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा होगा, आपके समाज में, आपके कम्युनिटी में, आपके दोस्तों में ऐसा डिप्रेशन होगा कि जो दिखता नहीं है, वैसा आदमी तो काम करते रहता है, मालूम नहीं अंदर से कितना डिप्रेस्ड है। जरूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि हमारा जो मिशन है उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। हमारा मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका हाथ लग जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, उसके बाद में उसका एक घंटे का चिन्ह आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। जरूर शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।